हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी टू व्याकरण की बुक में से ये चैप्टर 3 देख रहे हैं, मात्राएं। मात्राएं हम किसको बोलेंगे? मैंने आपको बताया ना कि जो भी व्यंजन के साथ कुछ विशेष चिन्ह लगते हैं उसको मात्राएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मात्राएं। दो या दो से अधिक जो व्यंजन और स्वर मिलते हैं तब जाके शब्द बनता है ना। दो और दो से अधिक व्यंजन और स्वर मिलते हैं तब जाके शब्द बनता है। जैसे कि यहाँ पे यही ले लो आप, मिलाकर, है ना, मिलाकर। तो ये क्या है? बड़े ए की मात्रा, फिर यहाँ आ की मात्रा, हो गया ना। स्वर और व्यंजन दोनों मिला के शब्द बनता है। अब प्रत्येक व्यंजन के लिए विशेष चिन्ह बना है जिसे हम मात्रा कहते हैं। जो भी व्यंजन है उसके लिए विशेष एक चिन्ह बना है जिसको मात्रा बोला जाता है। और मात्राएं वाले बहुत सारे शब्द हैं जो आप हर दिन बोलते हो और हर दिन लिखते भी हो। हम जो भाषा बोलते हैं उसमें स्वर, व्यंजन, मात्राएं, नियुक्त, ये सब मिला के हमारा जो वाक्य बनता है उसके जरिए हम अपनी मन की बात दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं मात्राएं, शब्द और शब्द कैसे बनता है, व्यंजन और स्वर मिला के शब्द बनता है, और हर एक व्यंजन के लिए विशेष अपनी एक मात्रा है। पर स्वर के लिए क्या है? तो स्वर खुद ही एक रूप में अपना एक शब्द बनाता है, वो खुद ही अपने आप में एक मात्रा है। तो वो अपने आप से ही एक वर्ड बनता है, जैसे अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं है फिर भी अ से एक शब्द बनता है। कौन सा बनता है याद करो, मैंने आपको बताया था, बोलो बोलो, याद करना पड़ेगा सारा कि आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, वो सब याद रखना है। और से क्या बनेगा? भूल गए ना? कैसे याद करना पड़ेगा आपको? और से क्या बनेगा? बहुत सारे नाम बनते हैं, अमन, अजगर, फिर बनता है जैसे कि अ के साथ आप आपकी मात्रा लगाओगे तो आम बनता है, फिर अ के ऊपर मात्रा लगाओगे ए बनेगा, तो उससे भी शब्द बनते हैं। वैसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये आगे वाली जो बनती है ये लघु मात्रा है, और जो पीछे वाली बनती है वो दीर्घ मात्रा है। मतलब इसको छोटी ई की मात्रा भी बोल सकते हैं, इसको बड़े ई की मात्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, अब आगे हम अनुस्वार और अनुनासिक शब्द किसको बोलते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक किसको बोलेंगे वो बताते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक शब्द वाक्य लिखा है, बंदर पेपर उछल रहा है। क्या लिखा है? बंदर पेपर उछल रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा है ऊपर दिए गए वाक्य के जो बंदर शब्द लिखा है ना उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये बिंदु लगाया। तो शब्द में बिंदु का जो चिन्ह है प्रयुक्त हुआ है, चिन्ह जो प्रयुक्त हुआ है, उपयोग हुआ है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जिसके ऊपर ऐसे बिंदु लगाया जाएगा ना उसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, ये जो भी ऐसे शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द है कि जिसके ऊपर ऐसे अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे मम्मी बोलती है ना, अंदर आ जाओ, तो अंदर के ऊपर लगा अनुस्वार। आपको बोलते हैं ना आप अंदर आ जाओ, तो ये जो बिंदु लगता है उसको अनुस्वार कहते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा चांद आसमान में चमक रहा है। चांद देखो आसमान में चमक रहा है ना, मजा आता है ना चांद देखने।
मछुआर बोले। बनकर बिंदु के साथ ऐसे चंद्र बनाते हो, है ना, तो उसको अनुनाम से कहते, उसको चंद्र बिंदु भी कहते। क्या कहते? चंद्र बिंदु, अनुनाम से क्या, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो शब्द के ऊपर अगर बिंदु लगाया गया तो उसको अनुस्वार कहते, और शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगाया गया तो उसको अनुनाम से कहते। ठीक है, फिर वर्ण छेद। अब आप बोलोगे मैम पहले आप वर्ण बनाते हो फिर वर्ण छेद करते हो। वर्ण हमने बनाया ना, शब्द व्यंजन और स्वर को मिला के वर्णमाला बनती है, वर्ण बनता है, शब्द बनता है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे शब्द को विच्छेद करना, मतलब अलग कर देना। पहले हम शब्द बनाया सीखते, अब उसको विच्छेद करना सीखते। किसी शब्द को अलग अलग करने करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। स्वर और व्यंजन, यहाँ पे हमने क्या बोला, स्वर और व्यंजन मिला के शब्द बनता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो शब्द बना है उसको अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते। पहले शब्द बनाते स्वर व्यंजन मिला के, अब उसको विच्छेद करते। जैसे कि कोमल, हमने पहले क्या किया, ये ऐसे ऐसे व्यंजन लिखा है ना, फिर उसमें स्वर ऐड किया, तब जाके ये कोमल बना। समझे ना, हमने ऐसे शब्द बनाना सीखा। अब आप इसको विच्छेद करना है, तो कोमल, तो ये क्या हुआ, क, फिर यहाँ ये ओ की मात्रा लगी थी इसलिए ओ लिखा, फिर म, म बोलते समय उसमें साथ में स्वर आता है अ, इसलिए इसको अ लिखा, फिर ल, और ल बोलने के साथ में उसको अ की मात्रा आती, तो ये पूरा विच्छेद किया। को ओ, क ओ, को, तो ओ आता है वो क्या होता है, स्वर, क है वो व्यंजन। फिर म, म बोलते समय साथ में अ भी बोला जाता है, वो अंदर साइलेंट से बोला जाता है, तो म अ, और फिर ल, ल, ल बोलते टाइम पीछे अ आता है, इसलिए ल और अ को भी अलग किया। फिर मैंने लिखा किताब, क, फिर ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा हुई, फिर त, ता बोलते ता, आ, तो त के साथ आ की मात्रा लगी, फिर ब, ब के साथ अ लगा, तो किताब। वैसे फूल, फूल, फू, उ की मात्रा लगी, और ल, तो ल के साथ अ की मात्रा लगी, है ना। तो ये हमने आज सीखा, क्या सीखा, मात्राएं। हमने बहुत सारी मात्राएं सीखी, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, उ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, बहुत सारी मात्राएं सीखी। फिर उसके साथ हमने अनुस्वार अनुनाम सीखा, जो ऊपर सिर्फ बिंदु लगता है उसको अनुस्वार बोलते, चंद्र बिंदु लगता है उसको अनुनाम बोलते। फिर हमने वर्ण विच्छेद सीखा, जो आपने वर्ण बनाया था स्वर और व्यंजन को मिला के हमने वर्ण बना था, दूसरे पाठ में आपने, दूसरे लेसन में आपने सीखा था वर्णमाला, उसमें हमने शब्द बनाना सीखा, व्यंजन और स्वर को मिला के शब्द बनाना सीखा। यहाँ पे वो ही स्वर और व्यंजन को अलग करके वर्ण विच्छेद करना सीखा, दोनों को अलग किया। जो भी शब्द आप बोलते हो उसके साथ व्यंजन और स्वर दोनों मिला के बोलते हो, तो वो अलग करके बोलोगे तो स्वर और व्यंजन भी अलग हो जाएगा। तो ये हमने वर्ण विच्छेद करना भी